अयोध्या में सज सवर कर तैयार है नया राम मंदिर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारी फाइनल स्टेज में है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नई मूर्ति क्रेन से राम मंदिर परिसर में लाई जा चुकी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। एक विवाद है रामलला की मूर्ति का। सवाल उठ रहा है कि अगर टेंट वाले रामलला के लिए नया मंदिर बनाया गया है तो नई मूर्ति क्यों लगाई जा रही है। नई मूर्ति के आने से पुरानी मूर्ति को लेकर सवाल रहस्य बन गया है। राम मंदिर मैनेजमेंट के पास तो इसका जवाब है, लेकिन राजनीति और धर्म से जुड़े प्रतिष्ठित लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी मूर्ति के रहते नई मूर्ति क्यों लगाई जा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले यह सवाल उठाया था। अब ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज ने भी ये सवाल उठाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पूछा कि मंदिर परिसर में ट्रक द्वारा रामलला की नई मूर्ति लाई गई है, अगर इसकी स्थापना की जाएगी तो रामलला जो विराजमान है उसका क्या होगा। अभी तक राम भक्त यही समझते थे कि ये नया मंदिर श्री रामलला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है, पर अब किसी नई मूर्ति के निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए ले जाए जाने पर आशंका प्रकट हो रही है कि कहीं से श्री राम लला विराजमान की अपेक्षा ना हो जाए। हालांकि अभी मुक्तेश्वर आनंद ये भी कह रहे हैं कि ढांचा गिरने के बाद मूर्ति तो गायब हो गई थी, टेंट में राम लला कैसे विराजे उसकी कहानी सुनिए उनसे। जब ढांचा ढहा था तो ढांचा ढहने के बाद राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, वो तो हाई है। जो ढांचा ढहा तो ढांचा ढहने के समय में अफरा तफरी मच गई। जो भगवान राम लला की मूर्ति थी वो कौन ले गया पता ही नहीं चला, आज तक नहीं पता चला, गायब हो गई। उस समय नरसिंहा राव जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे वो विद्यमान थे। उन नरसिंहा राव ने 2 दिन तक सेना को कहा कि घेरे रहो। पहले तो वहाँ जो मलबा था उसको समतल करवाया, समतल करवा के वहाँ पे सीढ़ी बनवाई, सीढ़ी बनवा करके वहाँ तंबू ताना करके एक चबूतरा बनाया। इतना सब समय मिल गया अफरा तफरी के बीच में, 2 दिन लगा था। और फिर उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापित कर दो, लेकिन मूर्ति तो थी नहीं। तब ऐसे दूसरे दिन जब बहुत देर होने लगी तब उन्होंने, उस समय ये जो अभी अयोध्या के राजा हैं ना, जो अभी इनके ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं ब्राह्मण राजा हैं, वो कांग्रेस में थे उस समय। तो नरसिंहा राव ने उनको डायरेक्ट फ़ोन किया और डायरेक्ट फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई प्राचीन मूर्ति है राम जी की। उन्होंने कहा कोई मूर्ति नहीं है, हमारी दादी की पूजा करने वाली 4 भाइयों की मूर्ति है। तो उन्होंने कहा वही तुरंत उठाओ और तुरंत लेकर के वहाँ जाओ और जा करके जो चबूतरा बना है उस पर रख दो। तो वो राजा साहब लेके गए और तुरंत उसको रख दिया गया, तब जा करके खोला गया और तब पूजा पाठ होने लगा। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को ट्रस्ट क्या जवाब देगा ये जवाब आने पर पता चलेगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने न्यूज तक के कार्यक्रम मंच में विवाद पर स्थिति साफ की थी कि रामलला की पुरानी मूर्ति ही नए मंदिर में होगी। पुरानी मूर्ति गर्भगृह में होगी, लेकिन भक्तों के दर्शन के लिए बड़ी मूर्ति भी लगाई जा रही है। हम तो सबको इवन हैंडेडली बुला रहे, जो आएगा उसका सम्मान करेंगे, जो नहीं आएगा जनता उसके बारे में विचार करेगी। हो सकता है आप जब मूर्तियों के बारे में बात कर रहे थे, हो सकता है इसका जवाब आपने दे दिया हो। दिग्विजय सिंह ने एक सवाल पूछा है कि जिस मूर्ति को लेकर झगड़ा हुआ था वो मूर्ति क्यों नहीं वहाँ स्थापित की गई, नई मूर्ति क्यों और कहाँ से लाई जा रही है। हमारे यहाँ एक नियम है कि प्रश्न पहले संबंधित व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए, जानकारी पूरी कर लेनी चाहिए। हमसे दिग्विजय सिंह जी पूछते तो हम उनकी चिंता दूर कर देते। वह सब मूर्तियाँ गर्भगृह में रखकर, गर्भगृह के केंद्र में रख करके पूजी जाती रहेंगी, इसलिए वो कहाँ गईं, क्यों गईं और बड़ी मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी ये मैंने बताया है। तो वो भी रहेंगी, एक बड़ी मूर्ति भी रहेगी और ये मूर्तियाँ उत्सव मूर्ति भी होंगी। नई मूर्ति की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ये सवाल उठाया था कि रामलला की वो मूर्ति कहाँ है जिस पर सारा झगड़ा हुआ, नई मूर्ति की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। पहली बात तो ये है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है, वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है, इस पर हम लोग
उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। दिग्विजय सिंह जिस झगड़े का जिक्र कर रहे हैं वो शुरू हुआ था 74 साल पहले 1949 में। तब भी राम मंदिर बाबरी मस्जिद का झगड़ा होता था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद में राम के बाल स्वरूप की मूर्ति देखी गई। हिंदुओं ने कहा रामलला प्रकट हुए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि चुपचाप किसी ने मूर्ति रख दी। अगली सुबह भारी भीड़ जमा होने पर ढांचे को विवादित घोषित करके सरकारी ताला लगा दिया गया। 1950 में हिंदू पक्ष ने कोर्ट से भगवान के दर्शन और पूजा का अधिकार मांगने के लिए याचिका लगाई। फैजाबाद के सिविल जज ने रखी हुई मूर्तियां हटाने पर रोक लगाने के साथ हिंदुओं को बंद दरवाजे के बाहर से दर्शन देने की इजाजत दे दी। फैजाबाद वही जगह है जिसे आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तब से 35 से 36 साल तक ऐसे ही चलता रहा। 1986 में ताला खोलने का अयोध्या कोर्ट का आदेश निकला। ताला खुलवाने और VHP को शिला पूजन करने का इजाजत का क्रेडिट जो है वो राजीव गांधी को दिया जाता है जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद रामलला के लिए तिरपाल टेंट का इंतजाम हुआ। तब से टेंट वाले रामलला पुकारे जाने लगे श्री राम। कोई मंदिर नहीं, कोई स्थायी स्ट्रक्चर नहीं, रामलला की नियमित पूजा होने लगी। नए राम मंदिर पर PM मोदी ने यही कहा था कि टेंट वाले रामलला को पक्का घर मिला है।